आज के फनकार। सावन कुमार फिल्म दर्शकों के लिए फिल्मों की बहार और गीतों की बौछार लेकर आए। फिल्म जगत का एक जाना पहचाना और प्रतिष्ठित नाम है निर्माता, निर्देशक, गीतकार और संगीतकार सावन कुमार टाक का। आज ये कार्यक्रम इन्हीं पर केंद्रित है। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। सन 1972 में आई फिल्म गोमती के किनारे, इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे सावन कुमार। सामाजिक ताने बाने को दर्शाती ये फिल्म कई मायने में महत्वपूर्ण है। ये फिल्म मीना कुमारी की आखिरी फिल्म थी और उनके मरणोपरांत रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सावन कुमार और मीना कुमारी अमिताभ बच्चन को मुमताज के नायक के रूप में भूमिका निभाने के लिए विचार कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुमताज के नायक बने समीर खान। संगीत आर डी बर्मन का था। ये फिल्म उतनी सफल नहीं हुई जितनी उम्मीद थी। आइए सुनते हैं गोमती के किनारे, इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत। ला 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 ला। जीने का दिन मर जाने का मौसम है इन नजारों में, इस दिल का क्या हाल करूं ऐसी बहारों में। जीने का दिन मर जाने का मौसम है इन नजारों में, मैं अपना क्या हाल करूं कह दो इशारों में। खून से मेरे सुर्ख लबों की कलियां निखरी जैसे फूल के, मर जाने का मौसम है इन नजारों में, इस दिल का क्या हाल करूं ऐसी बहारों में। बात करते हैं सन 1967 की फिल्म नौनिहाल की। इस फिल्म की कहानी लिखी थी सावन कुमार टाक ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया था। फिल्म में कलाकार थे संजीव कुमार, बलराज साहनी और इंद्राणी मुखर्जी। गीत कैफी आजमी के थे और संगीत मदन मोहन का था। निर्देशक राज मार्बोस का था। मेरी आवाज सुनो, प्यार का राज सुनो, मेरी आवाज सुनो। मैंने एक फूल जो सीने पे सजा रखा था, उसके लगा रखा था जुदा सबसे मेरे इश्क का अंदाज़ सुनो, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। लेखक, निर्माता और निर्देशक के रूप में सावन कुमार ने 1974 में रिलीज हुई एक बेहद संवेदनशील फिल्म बनाई हवस।
अनिल धवन, नीतू सिंह, बिंदु, विद्या सिन्हा और विनोद मेहरा जैसे कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया था और ये एक सफल फिल्म थी। इस फिल्म के लिए लिखे सावन कुमार के गीत को आइए सुनते हैं, जिसे संगीतबद्ध किया है उषा खन्ना ने। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरे मिलने को न आएंगे सनम आज के बाद, तेरी गलियों में दुनिया में समझना ना सनम आज के बाद, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरी गलियों में। सावन कुमार का जन्म 9 अगस्त 1936 को जयपुर में हुआ। वैसे अमूमन फिल्मों में हीरो बनने की चाहत से लोग मुंबई आते हैं, सावन कुमार भी अपवाद नहीं थे। कोशिश की रोल पाने की, सफल नहीं हुए तो इन्होंने फिल्म बनाने की ही सोच ली। जैसा सोचा उसे करने के लिए रुपयों की जरूरत थी। अपनी बहन से मदद मांगी पर उनकी आनाकानी के बीच इनके ब्रदर इन लॉ ने इनकी कोशिश को सहारा दिया और सावन कुमार ने फिल्म बनाई नौनिहाल। संजीव कुमार को अपनी फिल्म में पहले पहल रोल देने वाले सावन कुमार ही थे। तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूंगा। नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम, नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम, नजर झुकाई तो खाली सलाम कर लूंगा, नजर झुकाई तो खाली सलाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। एक गीतकार के रूप में भी हम सावन कुमार को जानते हैं। अपनी कई फिल्मों में इन्होंने गीत लिखे हैं, साथ ही अन्य फिल्मकारों की फिल्मों के लिए भी इनके लिखे गीतों ने श्रोता दर्शकों को मुतासिर किया है। शत्रुघ्न सिन्हा और अभिनेत्री पूनम द्वारा अभिनीत 1973 की इनकी फिल्म सबक का आइए ये गाना सुनते हैं। जरा थम के बरसो, पी मेरे
बैरन जरा थम के बरसो, पी मेरे आ जाए तो चाहे जम के फिर बरसो। बरखा बैरन। सावन कुमार ने 2004 की फिल्म कहो ना प्यार है के लिए कुछ गाने लिखे और इसी साल देव फिल्म के लिए भी इन्होंने गाने लिखे। आइए सुनते हैं कहो ना प्यार है का ये गाना। अंदाज है उसके नए नए है नया नया दीवानापन, ओ अंदाज है उसके नए नए है नया नया दीवानापन, पहना के ताज जवानी का हंस के लौट गया बचपन। गीत गजल सब कल की बातें सब कल की बातें, उसके नए तराने हैं ताजा ताजा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं। तो कितना सुंदर होगा मन, हो है रूप में इतना सादापन, तो कितना सुंदर होगा मन, बिन गहने और सिंगार बिना वो तो लगती है दुल्हन। काजल बिंदिया कंगन झुमके, अरे काजल बिंदिया कंगन झुमके, ये तो गुजरे जमाने हैं ताजा ताजा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं। चांद सितारे फूल और खुशबू, ये तो सारे पुराने हैं ताजा ताजा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं। अरे काली घटाएं बरखा सावन, ये तो सब अफसाने हैं ताजा ताजा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं। जब गानों की बात चली है तो सौतन फिल्म का ये गाना सावन कुमार की कलम से ही निकला है। शायद मेरी शादी का खया, शायद मेरी शादी का खया दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। पंछी अकेला देखूं मुझे, पंछी अकेला देखूं मुझे, ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। तो है ना
टाक ने अपनी ही फिल्मों में कई गीत लिखे जो लोकप्रिय भी हुए, जैसे फिल्म सौतन की बेटी का गाना हम भूल गए और फिल्म बेवफा से वफा का ये गाना हम आर्टिस्ट के रूप में एक कलाकार लोकप्रियता हासिल कर रहा था। ऐसे ही एक अच्छे वक्त में सावन कुमार ने उन्हें ड्रामा करते हुए देखा और इतने प्रभावित हुए कि अपनी पहली ही प्रोडक्शन नौनिहाल में कास्ट कर दिया और उनके मूल नाम हरी भाई जरीवाला से बदलकर एक नया और फिल्मी नाम और उम्दा नाम दिया उम्दा कलाकार को, जिनका नाम है संजीव कुमार। वैसे ही सावन कुमार ने जूनियर महमूद को भी ब्रेक दिया। संगीतकार उषा खन्ना के साथ इनका फिल्मी और व्यक्तिगत जीवन काफी लंबा चला। हवस से साजन बिन सुहागन तक कई हिट गाने इस साथ ने दर्शक श्रोताओं को दिए। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका देता है। सावन कुमार लिखते हैं, साजन बिन सुहागन मेरे लिए एक विशेष फिल्म थी क्योंकि ये मेरी पहली गोल्डन जुबली फिल्म थी। साजन बिन सुहागन फिल्म से जुड़ा हुआ एक किस्सा सुनाते हुए सावन कुमार कहते हैं कि उन दिनों कोई भी डायरेक्टर राजेंद्र कुमार और नूतन की जोड़ी को नहीं चाहता था। मैंने सोचा इन दोनों ही कलाकारों ने अपने दिनों में एक साथ काम नहीं किया है,
क्यों ना ये एक साथ आएं। मैं राजेंद्र कुमार से मिलने उनके घर गया। उनकी पत्नी ने बताया अपने मित्र के साथ हैं, जाइए। वहां जाकर देखा तो राज कपूर थे। उन्होंने सोचा ऐसे ही मिलने आया होऊंगा। तब बात रोशन हो गई जब मैंने 11,000 रुपए का चेक साइनिंग अमाउंट के रूप में राजेंद्र कुमार को दिया। दोनों खुश हुए और अचंभित भी। राज जी ने कहा, मैं इनका इतना घनिष्ठ दोस्त होने के बाद भी इन्हें कास्ट करने की नहीं सोच पाया था। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। हो मिले अंगारे सच के सावन कुमार के साथ अभिनेत्री रेखा ने 5 फिल्में की। सावन कुमार एक वाकया शेयर करते हुए कहते हैं कि बात हवस फिल्म के बनने की प्रक्रिया के दरमियान की है, जब मैं आओ यारो गाओ गीत की रिकॉर्डिंग कर रहा था, जिसके लिए मैंने अभिनेत्री फरियाल को चुना था। ये गाना रेखा को बहुत पसंद आया और उन्होंने मुझसे चांस देने की बात कही। मैंने रेखा से ये कहकर समझाने की कोशिश की कि ये वैम्पिश नंबर है। रेखा ने एक ना सुनी और शूटिंग के दिन अपनी हेयर ड्रेसर मेकअप आर्टिस्ट की मदद से पूरी तरह तैयार अपने अंदाज की ड्रेस कॉस्ट्यूम के साथ हाजिर हो गई। ये सब देखकर मैं कुछ न कह सका, फरियाल को मनाया और श्रोताओं ये गाना फिर रेखा के हिस्से आया। सावन कुमार टाक ने अपनी प्रतिभा, रचनात्मकता और फिल्म बाजार में अपनी अहमियत अपनी फिल्मों से साबित की। 1972 से लेकर 2006 तक इनके द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। ओ बेवफा, साजन की सहेली, लैला, प्रीति, प्यार की जीत, 1989 तक सौतन की बेटी जैसी फिल्मों का आपने निर्माण किया। फिर आई 1991 में सलमान खान द्वारा अभिनीत फिल्म सनम बेवफा। इस गीत को सावन कुमार ने लिखा और संगीत महेश किशोर का है। चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, तेरे बगैर साजन, तेरे बगैर साजन, सावन मजा न देगा। चूड़ी 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 मजा न देगी, कंगन। 1992 में बेवफा से वफा, खलनायिका, चांद का टुकड़ा, सनम हरजाई, सलमा पे दिल आ गया, मदर सावन कुमार द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्में थी। सन 2003 में सावन कुमार टाक की फिल्म आई दिल परदेसी हो गया और सन 2006 में सावन द लव सीजन। सावन कुमार एक फिल्मकार के रूप में निश्चित रूप से अद्वितीय है। आज का ये कार्यक्रम इन्हीं पर केंद्रित था। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक बनवास है, काट कर सबको जाना पड़ेगा।
जिंदगी प्यारा गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। आलेख और स्वर जी श्याम का, संपादन आकांक्षा सिंह का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले। आज के फनकार।